पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ तंग आकर DHQ अस्पताल बिहाड़ी में बतौर सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी फ़राइज अदा करने वाले सैकड़ों अफराद ने अपनी कंपनी सिल्वर एरो सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए कहा कि ये कंपनी बोगस है। हुकूमत पंजाब DPO बिहाड़ी इस कंपनी के खिलाफ एक्शन ले। हमारे साथ फीकस सिक्योरिटी गार्ड 35,575 रुपये तनख्वाह मुकर्रर करके कई साल तक सिर्फ 17,17,000 रुपये देती रही। अब 3 माह हो चुके हैं, वो 17,000 भी नहीं दे रही, जिसकी वजह से हम और हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, हमारा मुआशी निज़ाम तबाह हो रहा है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग चुका है। लिहाजा हुकूमत पंजाब डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी और DPO बिहाड़ी इस बोगस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और हमें इंसाफ मुहैया करे। इस मौके पर मलक नूर सुल्तान लंगड़ियाल, मलक जाबर लंगड़ियाल, मलक सजाद मुश्ताक, नासर बाबा दीगर भी मौजूद थे। अच्छा, ये बताएं, DC साहब, AC साहब रोज़ दौरे करते हैं, उन्होंने कभी सिक्योरिटी गार्ड से नहीं पूछा कि आपको तनख्वाहें मिल रही हैं बेटा या नहीं मिल रही? कभी नहीं पूछा, ये पूछने नहीं देते, ये बात होती है तो मुझे वापस भेज देते हैं, ये बात करने ही नहीं देते हमें। जब भी कोई जिलाई इंतजामिया का अफसर या हेल्थ का अफसर आता है तो सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल सिक्योरिटी देती है, तो कभी आपने उनसे शिकायत नहीं की? यानी कि जो भी जिले इंतजामिया के सामने अपनी शिकायत रखता है, अपनी इल्तजा रखता है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। पूरी तनखा दसनी है, ना दसी जैसे बंदे ने फारक कर दिया जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपए देंदे ने, सैल 25 तक कराते ने। अब कब तक आपका एहतजाज जारी रहेगा? जब तक सैलरी मिल रही है, हमारे बच्चों का दे दे, हमारे का, हमारा घर का चूल्हा चल जाएगा तो हम चले जाएंगे यहां से। पूरे DHQ में कोई सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी नहीं कर रहा आज? नहीं कर रहे जी, नहीं कर रहे, नहीं करेंगे, करेंगे भी नहीं, हमारे घर के चूल्हे बुझे हुए हैं। खुदा ना खास्ता अगर DHQ में कोई मसला बनता है सिक्योरिटी ना होने की वजह से, खुद जिम्मेदार होगी, हम उसके कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हमें सैलरी नहीं मिल रही तो हम क्या करें नौकरी करके ड्यूटी करके। ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ 32,000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 32,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੀਪੀ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਲਵਰ ਐਰੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ।